बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और शाद आबाद रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, यहाँ देखें बहुत ही ज़बरदस्त से बच्चों के बेटियों के ये जो है मैं ड्रेस तैयार करके लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटी छोटी बच्चियों के, 1.5 से 2 साल की बच्चियों के ये ड्रेस हैं, बहुत प्यारे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी इंशाल्लाह ताला पसंद आएंगे। जी व्यूअर्स, इसलिए मैं ये डिजाइनिंग बनाकर लेकर आई हूँ ताकि ईद पर आप अपने बच्चों के ऐसे ही प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकें और आपको बहुत ही प्यारा सा ये जो है आइडिया मिल जाए। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। यहाँ देखिए इस तरह से ये जो है शर्ट मैंने तैयार की है। यहाँ देखिए इस तरह से वे गला बना दिया है और इसी तरह साथ ही इस तरह ये शोल्डर हो गए हैं, बना दिए हैं। और यहाँ ऊपर मैंने लगा दी है डोरी, जिगजैग गोल्डन डोरी, और यहाँ से ओपन है और दोनों साइडों पे डोरी लग गई है और ये डोरी के साथ हमने इसको बांध दिया है इस तरह से। ये इसकी डोरी भी बहुत ही प्यारी तैयार हुई है। जी भी इसी तरह से यहाँ दोनों साइडों पे डोरी लग गई है इस तरह से। और यहाँ देखें इसी तरह से ये जो है गोल्डन कलर की जो डोरी है सिंपल वाली, वो मैंने यहाँ पैनल की तरह डाल दी है और इस तरह से राउंड शेप में इसका घेरा तैयार कर दिया है और घेरे के ऊपर यही जिगजैग डोरी लगा दी है दोनों तरफ से इसी तरह से। यहाँ देखिए बैक साइड से भी इसी तरह से बना दिया है और फ्रंट से भी इसी तरह से बना दिया है। और गला मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये किस तरह जो है तैयार किया है। जी व्यूअर्स, यहाँ देखिए इस तरह से जब ये हमने गला काटा है ना, तो इसके अंदर ये कपड़ा जो है लगा दिया है, कपड़ा लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। और इस तरह से जब हमारे कपड़ा फोल्ड करके और ऊपर हमने यहाँ ये जो है डोरी लगा दी और बहुत ही आसानी के साथ बन गया है। कोई इसमें बनाने में मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। और यहाँ देखिये बहुत ही प्यारा सा ये जो है डिजाइन बन गया है, बहुत ही जबरदस्त। और इसी तरह से अब ये डोरी की डिजाइनिंग, जैसे मैंने यहाँ पैनल डाल की तरह से ये डोरी लगा दी है और घेरे पे लगा दी है, आप इसको चेंज भी कर सकती हैं, आप इसको गले के साथ साथ भी लगा सकती हैं या आप जिस तरह चाहें डोरी लगा सकती हैं सूट के ऊपर। और यहाँ देखिए इस तरह से ये दोनों अलहदा अलहदा से हैं गले, और इसको इसी तरह से हमने यहाँ ये जो डोरी है इसको भी कपड़ा जब हमने नीचे अंदर की तरफ फोल्ड करके जो लगाया है उसके अंदर हमने ये वाली जो डोरी है लगाई है ताकि यहाँ बाहर हमारे डोरी के धागे वगैरह नजर ना आए और वो अच्छी नहीं लगती। और इस तरह से हमारा डिजाइन जो है बहुत ही नफासत के साथ और नीटनेस के साथ बनकर तैयार हो जाए। और इसी तरह से यहाँ देखें इसी तरह से यही जो डोरी और फैब्रिक को लगा के इसी तरह से मैंने छोटे छोटे से यहाँ टस बना दिए हैं और अब इसको इसी तरह से हमने यहाँ बांध देना है। बहुत ही जबरदस्त सा ये बटरफ्लाई सा ये जो है हमारा ये जो टसल जो गिरा है इस तरह लग जाएगी। यहाँ देखें इस तरह से, इस तरह से दोनों हमने ये जो है पहनकर जो है बच्ची के ये इस तरह हमने इसको तैयार कर देना है। उम्मीद करती हूँ आपको भी इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा ये वाला जो डिजाइन मैंने बनाया है और बहुत ही आसानी से आप खुद अपने बच्चों के ये सिलाई कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। जी व्यूअर्स, यहाँ देखें ये इसके साथ मैंने ये वाला जो है गरारा बनाया है इस तरह से, बच्चों के पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही जबरदस्त जो है। यहाँ देखें यहाँ बारीक सिलाई वाली चुनरी डाल दी है और ऊपर यहाँ मैंने वही जिगजैग जो है डोरी लगा दी है। बिल्कुल सस्ती ये डोरी मिल जाती है, कोई ज्यादा महंगी नहीं है और लगाने में भी बहुत ही आसानी है, आसानी के साथ लग जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ देखें ये एक यहाँ जिगजैग डोरी लगा दी है नीचे पैंचे के और ऊपर यहाँ वही जो है गोल्डन कलर की सिंपल डोरी लगा दी है। और यहाँ देखें बहुत ही जबरदस्त से हमारे ये जो है ड्रेस तैयार हो गए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ देखिए इसके साथ भी मैंने इसी तरह से ये छोटा सा नेट का दुपट्टा बना दिया है और दुपट्टे के ऊपर यहाँ जिगजैग डोरी लगा दी है चारों तरफ। और यहाँ देखें इस तरह से ये इसका हेयर कैच बना दिया है। यहाँ देखें कपड़ा जो है इसके अंदर यहाँ लास्टिक डालकर एक जो है यहाँ मैंने स्टिच कर ली है पट्टी और उसके अंदर यहाँ लास्टिक डाल दिया है इस तरह से। और यहाँ देखें इस तरह से ये जो है पत्तियां सी बना के बटरफ्लाई शेप सी बना के यहाँ लगा दी है और बहुत ही जबरदस्त सा ये जो है हेयर कैप भी सूट की मैचिंग के साथ ही तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। जी व्यूअर्स,
अगर आपको ये जो मैं आपके लिए डिजाइनिंग बनाकर लेकर आई हूँ पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरे चैनल का विजिट करें, वहां भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सी डिजाइनिंग जो है देखने को मिलेगी और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। जी व्यूअर्स, जैसे कि रमजान का महीना है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। अब इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।